this is Neha and welcome back to my channel. And today I'm gonna recreate the most favorite actress avneet kaur's Instagram pictures, guys. Yes, maine Instagram pe story pe diya tha ki main kaun se matlab recreating of my old pictures ya recreating of any celebrity's picture. To aap sab logo ne vote kiya avneet kaur ke matlab avneet kaur matlab wo mera style tha, but aap sab logo ne vote kiya tha mujhe ki celebrity ke picture ko karo. To maine socha ki kisi ek celebrity ke picture ko leke karte hain. So aaj main recreate karne wali hu meri सबसे फेवरेट एक्ट्रेस की पिक्चर, लाइक अवनीत कौर की पिक्चर्स. ये रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है गाइस, क्योंकि सेम प्लेस सेम आपको सेम चीजें चाहिए होती है रिक्रिएट करने के लिए. बट स्टिल एग्जैक्ट सेम मेरे पास नहीं है, बट स्टिल मेरे पास जो है मैं उससे काम चला लूंगी. तो चलिए बढ़ते हैं उनकी फर्स्ट पिक्चर की तरफ. सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसका फर्स्ट पिक्चर कुछ ऐसा था, लाइक शी वॉज वेयरिंग लाइक शी हर वेटेड हेयर एंड शी वॉज वेयरिंग अ वाइट काइंड ऑफ टी शर्ट. तो मैंने अपने मम्मी से पूछ के कैसे मतलब मेरा वाइट एक टी शर्ट था, तो मैंने वो टी शर्ट लिया है. अब उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा ब्लैक पैंट्स पहना है, सो एंड वेटेड हेयर था. तो मैं तो अभी जा रही हूँ वॉशरूम में और अपने बालों को वेट करने, और उसके बाद आके पिक्चर क्लिक करती हूँ. फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं कि देखते हैं कि कैसा हुआ है पिक्चर. गाइज, आई एम टोटली रेडी एंड आई एम गोइंग टू क्लिक द पिक्चर राइट नाउ. एंड आई डोंट नो कि कैसा होगा बिकॉज उनको कॉपी करना, तो फिर से देखते हैं चलो कैसा होता है पिक्चर. तो आपको रिजल्ट में ही दिखेगा. लेट्स डू दिस. Guys, after a lot of takes I did it and here is the result guys, as you can see. But still guys, I think ke aur acha hota, but kyunki abhi karke pure baal bhige hue the, but mere pure baal maine nahi bhigaye hai still. But I think jo bhi hua hai outfit ke tariye, I think it's okay. Sabhi marks to aap logo ko hi dena hai ki kaisa bana hai. So guys, mera jo second picture hai usko bhi main click karne jaungi. Aap jaisa ki dekh sakte ho ki second picture kya tha aapne dekha. एंड कुछ ऐसा था कि मतलब वो एक आई थिंक शी वॉज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, ऐसा भी कुछ पहना होगा उसने. एंड उसके लिए रेड लाइट्स चाहिए, तो अभी देखते हैं रेड लाइट्स. चलो होता है कि नहीं, है मेरे पास रेड लाइट्स भी, देखते होता है कि नहीं. सो गाइज, अभी हम ऊपर आ चुके हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यही मेरा अभी शूटिंग का रूम हो चुका है. तो मेरी मम्मा यहाँ पे है. मम्मा मुझे मेरी कैमरा मैन है और वो बहुत ही गुस्से में लग रही है क्योंकि मैंने बहुत सारे टेक्स लिए. तो मम्मा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा. आपको अच्छा लगा या बोरिंग लगा? अभी जो अभी एक और होगा मम्मा के साथ, तो मैंने मम्मा को कहा है कि आप मुझे सब कुछ खींच दो और इसके बाद आप सब लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगी. तो चलो नेक्स्ट को देखते हैं. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. और आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी या इस टाइम पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना वीडियो खत्म किया था. जब मैं बनाना स्टार्ट किया था तब भी सुबह थी और अभी भी सुबह है. यस गाइस, मुझे दो दिन लगेंगे ये वीडियो डालने में और बनाने में भी, क्योंकि अभी मैं ऊपर जा रही हूँ फॉर क्लिक द पिक्चर. और आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, स्क्रीन में पिक्चर आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर है क्या. पिक्चर है कि एक ब्लैक कलर की टी शर्ट अवनीत कौर ने पहना है और जस्ट उसका जो चेन था ना वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने चेन नहीं लिया है. एंड बाकी आई थिंक लिपस्टिक का भी कलर थोड़ा सा मैच हो जाता है. तो जस्ट अभी मुझे क्लिक करना है वो पिक्चर, देखते हैं कि होता है कि नहीं. सो गाइज, अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ और अभी आपको यहाँ पे सॉरी अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि कौन सा पिक्चर मैं नेक्स्ट करूँगी. तो इस पिक्चर में वो अवनीत एक उसका एक येलो कलर का सनग्लासेस था, तो मेरे पास भी है, तो ये एक एडवांटेज मिल गया है मुझे. ये था और उसके साथ साथ येलो कलर की जैकेट थी, और येलो कलर का जैकेट मेरे पास नहीं है, मेरी मम्मा की है. सेम एकदम ही नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैच कर सकूं तो. अब गाइस, बारी आती है लास्ट पिक्चर की, जो बहुत ही सिंपल है और मुझे आई थिंक मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इसे क्रिएट करने में. तो ये रही वो पिक्चर जो स्क्रीन में भी दिखा रही है. आप लोग देख सकते हो कि वो उसने अपने हेयर को मिडिल पार्टीशन किया है और एक हेडफोन लिया है और बस एक बैग लिया है और लेके उसने पिक्चर क्लिक किया है. तो मुझे भी वही करना है. चलिए देखते हैं होता कि नहीं.
फाइनली मेरा टोटल रिक्रिएशन वीडियो कंप्लीट हो गया है और अभी आपने रिजल्ट भी देख लिया है। और गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा पिक्चर आपको अच्छा लगा सबसे, और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट किसकी रिक्रिएशन वीडियो चाहिए। बाय बाय गाइज, टाटा।